बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सुजुकी खैबर गाड़ी की कार्बोरेटर के रिपेयर किट है, ये मैंने चेंज की थी। बहुत अच्छी ज़बरदस्त क्वालिटी की कार्बोरेटर किट मुझे मिली है, तो इसलिए मैंने सोचा इसकी एक वीडियो बना के दिखा दूँ। इस कार्बोरेटर किट के अंदर कार्बोरेटर के इंटरनल पार्ट्स हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है और अच्छी क्वालिटी की है। इसके अंदर आइडल जेट, स्लो जेट और इसके अलावा कार्बोरेटर के सारे गैसकेट, नीडल वाल का जो हाउसिंग है, ये देखें, ये मैं खोल के थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसके कार्बोरेटर किट के अंदर सारे गैसकेट कार्बोरेटर के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा जितना भी सामान जो जेट और जो भी सेंसिटिव कार्बोरेटर का सामान है, ये सारा भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा लॉक रिंग्स और इसकी वाशर जितनी भी हैं, सब चीज़ें ज़बरदस्त A1 क्वालिटी की इसके अंदर मौजूद है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने वन बाई वन सारी बता दी है, थोड़ा सा फिटिंग का भी बता दूंगा। और इसके अलावा इसकी सारी जो प्रोग्रेस है वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, पेट्रोल की एडजस्टमेंट ज़बरदस्त हुई है। ये देखिए, न्यूडल वाल के जो बॉडी है उसके अंदर आगे इसकी जाली लगी हुई है बाकायदा इसके साथ, कि ताकि जब भी पीछे टैंकी से अगर कचरा आगे आता है तो वो कार्बोरेटर के अंदर नहीं आएगा, इस जगह पर आकर रुक जाएगा। प्लस इसके जो फारा जिसके साथ काम करता है, जो इसकी ये पिस्टन होता है, ये भी A1 क्वालिटी का, ये भी थोड़ा सा दिखा दूंगा। उसके अलावा कार्बोरेटर के इंटरनल पार्ट्स ज़बरदस्त चीज़ें थी सारी, स्लो जेट, वैसे इसकी साइज़ भी पता नहीं चलता कौन सा साइज़ लगेगा इसमें, स्टैंडर्ड साइज़ सारे मौजूद हैं जो कंपनी से फिट होकर जो है कार्बोरेटर के अंदर आते हैं। ये देखिए, स्लो जेट है और इसका ये दोनों जेट वो बड़े जेटों को आपस में मिलाने के लिए ये चीज़ लगी होती है, ये भी नहीं लगी है। इसके अलावा जेट भी नहीं लगी है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो ऊपर वाली साइड पे लगी होती है वो भी, यानी कि हर कार्बोरेटर का हर इंटरनल पार्ट्स इसके अंदर मौजूद है। इससे ज़बरदस्त गाड़ी की सेटिंग हो जाएगी।